हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। मैं हूँ स्वाति और आज आप लोगों के लिए लाई हूँ चैप्टर संधि। तो आज हम पढ़ेंगे संधि और 3 या 4 क्लास लगेंगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं इसको आपको थरली समझाऊंगी जिससे कि आप संधि वाले चैप्टर से आने वाले प्रश्नों में कभी भी कोई गलती ना करें। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग ये जो नाम लिखा है टेलीग्राम चैनल का वी मेक फ्यूचर ऑफिशियल, इसको जाकर के सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, नहीं तो इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। वहां जाइए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी पीडीएफ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा सकूं। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। DSSSB की क्लासेस, UPTET और सुपरटेट की क्लासेस की हिंदी और पेडागोजी मैं अपने चैनल पर लेकर आ रही हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाया करें, ठीक है। इसको फिर से बता रही हूँ, चैनल का नाम है वी मेक फ्यूचर ऑफिशियल। टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कर लीजिए और लोगों से आप पहचान जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ या नोट्स या जितने भी प्रैक्टिस सेट है वहां पर आपको मैं प्रोवाइड करा लूंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं संधि। जैसा कि आप देख रहे हैं संधि की मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, परिभाषा लिखी है। हमको सिर्फ परिभाषा को समझते हुए चलना है और अर्थ निकल कर आ जाएगा जिससे आप कभी भी संधि को करने में गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संधि की परिभाषा की, कि परिभाषा क्या कहती है। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार, विकार को कहा गया है परिवर्तन। परिवर्तन जो भी होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है संधि, मतलब ज्वाइनिंग। मतलब 2 वर्ण क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्णमाला में मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर वर्ण विच्छेद नहीं आता तो प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लीजिए वर्णमाला और वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं, वो भी मैं बता चुकी हूँ अपने चैनल पर। यहाँ हम संधि की बात कर रहे हैं, इसलिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्ण विच्छेद में जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। अगर यहाँ पर देवालय है तो द में ए लगा है, मतलब ए की मात्रा लगी है, ए क्या है, स्वर है। इसी तरह से व में आ की मात्रा लगी है, आ का स्वर आ रहा है। अब बात करें ल की और य की, यहाँ पर दिखने में तो कोई भी मात्रा नहीं दिख रही है, लेकिन वर्ण विच्छेद हम ल को अलग करेंगे तो ल, अगर ये ल पूरा है तो इसको अलग करने पर निकलेगा ल, ये है व्यंजन प्लस अ, मतलब इस ल को अलग करने पर इसमें से हमने स्वर निकाल दिया आ का, तो यहां पर रह जाएगा आधा ल। कहने का अर्थ ये है कि व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। तो ये भी एक वर्ण है और ये भी एक वर्ण है, ये बात हम आपको वर्ण विच्छेद में समझा चुके हैं। अब बात करते हैं कि संधि क्या होती है और कैसे होती है। तो 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, जो भी विकार उत्पन्न होता है या जो भी परिवर्तन आ जाता है, किस में आ जाता है परिवर्तन, जहां पर 2 वर्ण मिल रहे होते हैं, जहां 2 वर्णों की ज्वाइनिंग होती है, संधि होती है, जहां 2 वर्ण जुड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये शब्द लिख रखे हैं, 3 शब्द। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी इसके भेद, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन भेद पर हम बाद में जाएंगे, पहले समझेंगे कि क्या क्या अंतर होता है इसमें। अगर मैं आपको भेद बता दूंगी ना तो एक ट्रेडिशनल वीडियो हो जाएगी कि भाई ये तो सारी वीडियोस में ऐसा ही होता है। पहले आप शब्दों की सहायता से समझिए कि अंतर कहाँ पर और कैसे उत्पन्न हो रहा है वर्ण। तो जो हमने पहला शब्द लिया है वह है देवालय, दूसरा शब्द है वागीश और तीसरा शब्द है अंतःकरण। तो अगर मैं यहाँ पर इन शब्दों को तोड़ती हूँ, इनके हिस्से अगर करे जाएं, तो यहां से 2 शब्द निकल कर आएंगे। पहला शब्द होगा देव और दूसरा शब्द है आलय, ठीक है, देवालय इससे बना है। अब बात करें वागीश की, तो वागीश में क्या क्या है, वाक और एक आ जाएगा ईश, वाकीश मिलकर बना है वागीश। दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द है आखिरी शब्द जिसमें 2 शब्द हैं, पहला है अंत और दूसरा है करण, ठीक है, अंत और करण मिला के बना है अंतःकरण, ठीक। यहां पर इन 3 शब्दों में जो एक अंतर है, जो बेसिक अंतर है, उसको समझ लेते हैं कि क्या है। ये देखिए देवालय में यहां पर अगर हम व की बात करें, जैसे अभी मैंने आपको ल को तोड़कर दिखाया, तो इस व में क्या है, व और अ,
आधा व और आ, मतलब आखिरी अक्षर क्या है, आखिरी अक्षर ये अ है और यहाँ का पहला अक्षर क्या है आ, ठीक। तो ये अ और इसका पहला अक्षर मतलब प्रथम, ये जो हमने इसको संधियों को तोड़ा, दो शब्द हमको प्राप्त हुए, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसको जोड़ा गया, इसकी संधि हुई तो बना देवालय। अब ये देखिए ये आ और ये आ, ये दोनों ही क्या है, कौन सा वर्ण है ये, ये दोनों है स्वर। अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, वाक ईश, यहां पर ये का क्या है, स्वर तो नहीं है, इस का को लिख देते हैं और यहां पे क्या है ई, पहले शब्द का आखिरी अक्षर, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये जुड़ा है, तो ये क्या है, ये व्यंजन है, स्वर तो है नहीं, और दूसरा क्या है, ये क्या है, ये स्वर है लेकिन यहां पर व्यंजन आ गया। अगली ओर चलते हैं, अंतःकरण, अंतःकरण में बिल्कुल क्लियर है कि ये जो तह है, इस तह में क्या है, ये विसर्ग लगे हुए हैं, ये विसर्ग लगे हुए हैं और यहां पे पहला है करण, ठीक, इन दोनों का जोड़, तो ता में क्या आ गया, स्वर तो नहीं आया ता में आ गया विसर्ग, ठीक है। अब बात करते हैं कि संधि क्या होती है, कि समीपवर्ती वर्णों के मेल, यहाँ पर समीपवर्ती वर्ण कौन से हैं, जब हमने इसको अलग अलग किया, दो शब्द हमको प्राप्त हुए, तो समीपवर्ती कौन से वर्ण हुए, ये वाले समीपवर्ती, ये निकल के आए समीपवर्ती वर्ण, ये दोनों ही समीपवर्ती वर्ण है स्वर, इसलिए इसमें कहलाएगी स्वर संधि। और यहां पर जो समीपवर्ती वर्ण निकल कर आए उसमें एक व्यंजन है, तो यहां बन जाएगी व्यंजन संधि। और क्योंकि यहां पर विसर्ग है, जब हमने दो शब्दों को जोड़ा, दो शब्दों में एक शब्द का आखिरी अक्षर, आखिरी वर्ण जो है वह है विसर्ग और दूसरे का है व्यंजन, तो यहां विसर्ग आ गया, तो जब हम विसर्ग को जोड़ते हैं तो यहां पर कहलाएगी विसर्ग संधि। तो इस तरह से संधि के कितने भेद निकल कर आए इसके माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये तो आप लोगों को चीज क्लियर हो गई होगी, रटना नहीं है कि भाई तीन भेद होते हैं, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसको समझना है कि भेद होते कैसे हैं, किस प्रकार से निकले हैं, इस इन तीनों संधियों के अलावा कोई चौथी संधि नहीं है, हालांकि स्वर संधि के भेद हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। पांच भेद होते हैं स्वर संधि के, जिसमें से मैं आज आपको पहला भेद पढ़ाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर सारे भेद एक ही दिन में कवर करूंगी, आप लोगों को भी बोरिंग लगने लगेगा, और क्योंकि हमको डिटेल में पढ़ना है सारी चीजों को, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते, इसलिए आज मैं केवल आपको दीर्घ संधि पढ़ाऊंगी स्वर संधि में। यहां तक की चीज को आप समझ लीजिए कि यहां पर सिर्फ एक ही बात समझनी है, अगर संधि को समझना है तो किसी ले लेते हैं, शब्द है विद्यार्थी, ठीक है, एक शब्द है विद्यार्थी, इसमें संधि बतानी है, संधि है नहीं है, यहां पे हम इसको तोड़ के देख लेंगे क्या दो शब्द बन रहे हैं, क्या दो शब्द इसमें से निकल के आ रहे हैं, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है, ये दो शब्द निकल कर आए, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यहां पर आ है, ये जो आखिरी वर्ण है इसका वो निकल के आया आ, और यहां निकल के आया आ, ये दोनों ही क्या है स्वर संधि है, ये दोनों ही क्या है स्वर है, तो यहां पर कौन सी संधि आ गई, स्वर संधि आ गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं व्यंजन संधि का, एक शब्द है जगन्नाथ, क्या इसको तोड़ा जाना संभव है, बिल्कुल संभव है, शब्द निकलेगा जगत प्लस नाथ, ठीक है, और हमारी परिभाषा कह रही है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यहां पर क्या विकार उत्पन्न हुआ है, ताका क्या हो गया आधा न हो गया है मेल करने के बाद, और ये ता क्या है, आधा ता क्या है, ये है व्यंजन संधि,
यहाँ पर व्यंजन संधि क्यों? क्योंकि ये स्वर नहीं है, ये हो गया हमारा व्यंजन। तो इस तरह से तीन संधि हमारी बनती है, पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तीनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं, इसको थोड़ा सा और परिभाषा के माध्यम से भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो संधि के भेद, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं। पहला वर्ण कौन सा? मैंने आपको बताया दो वर्णों के मेल से संधि हो रही है। दो वर्ण कौन से? पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जिन दोनों की संधि होती है उन दो वर्णों की बात हो रही है। उन दोनों वर्णों में से पहला जो वर्ण होगा स्वर संधि कहलाएगी, जहां पर होगा संधि का पहला वर्ण स्वर होगा वहां क्या कहलाएगी? वहां स्वर संधि कहलाएगी। इसी तरह से व्यंजन संधि कहां पर होगी? संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन है तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। इसी तरह से अगर संधि का पहला वर्ण है विसर्ग युक्त तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी दिया। विसर्ग युक्त का एक ही एग्जाम्पल दिया था, एक और बता देती हूं। शब्द है, एक शब्द है मनोरथ। मनोरथ में दो शब्द हैं जुड़े हुए। अगर इसके इसको अगर तोड़ा जाएगा शब्द को तो दो शब्द बनेंगे, पहला है मनः और दूसरा है रथ। तो यहां पर जो संधि हो रही है, मैंने आपको बताया पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो यहां पर ये क्या है? ये विसर्ग है। तो पहले अगर संधि का पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो वहां पर क्या होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको दीर्घ संधि इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि स्वर संधि के भेद क्या होते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए कि स्वर संधि के जो होते हैं वो पांच भेद होते हैं, ठीक है? सिर्फ नाम बता देती हूं, कल को हम इसको पढ़ेंगे। पहला है दीर्घ संधि, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि चौथा है यण संधि और फिर हम पढ़ेंगे अयादि संधि। तो ये पांच संधियां हैं जो हम स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और नोट्स में आपको इकट्ठा प्रोवाइड करा दूंगी जब ये चैप्टर हमारा आधा हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। और इस चैप्टर से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और आपको यहाँ पर जो तैयारी करवाई जा रही है वो इस तरह से कराई जा रही है कि किसी भी लेवल का अगर प्रश्न पत्र आ जाए, टफ आएगा, मीडियम आएगा, आप हर तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए मतलब इतना आप होशियार हो जाएंगे कि आप संधि को देखकर ये जज कर पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है या उसका विच्छेद किस तरह से किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो को पसंद हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और संग में बार बार एक बात मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसको आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे जितने भी टेक्स्ट फॉर्म में मैं आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करा सकती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि दीर्घ संधि क्या होती है और दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। उन सारे उदाहरण को हम अगली वीडियो में अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।